नहीं होती। रामलीला चौराहे के पास रहने वाले लोगों के घर सीवेज लाइन की गंदगी होने से रहना दूभर हो रहा है। घरों के शौचालयों में से गंदगी बाहर आने पर शौचालयों को बंद करना पड़ रहा है। सीवेज लाइन विसर्जन कुंड के पास से बंद करने से यह परेशानी आ रही है। इसे बोरी बगैर आड़ा दी इस चक्कर में, नहीं तो पानी तो भीतर भरा जाएगा। यहाँ पर जो गड्ढे से गंदगी निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सिविल लाइन चालू हो जाए और क्या जी, यहाँ आगे से रोक रखी है उसे क्लियर कर दें। कहाँ से रुकी है? जानकी कुंज में। पूरी सफाई होनी चाहिए। जानकी कुंज में क्या है? ये जानकी कुंज में नरेंद्र सोनी वो नहीं बनाया था, तला बनाया था उस वक्त ही उसमें बोरियां वगैरह डाली है तो वहाँ से बंद कर दिया है। वहाँ से बंद कर दिया है। क्या चाहते हैं? यहाँ से रास्ता नहीं ठीक है। ये दादा बोलो यहाँ पर जो सीवर लाइन का जो गड्ढा है, गंदगी निकल रही, क्या है पूरा माहौल बताओ, क्या समस्या है? देखिए गंदगी है, पूरी पानी है, इनमें कर लो तो वहीं से पानी आ रही, लेटरिंग आ रही, देख इनने वहाँ से पाइप डाल लो। यहाँ से सफाई कब से नहीं हुई? वो तो बरसों से नहीं गई। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं पूरे? यही चाहते हैं कि खाली हो जाए। अच्छा अच्छा, ये गंदगी हो रही, मच्छर होंगे अभी, मच्छरों की बीमारी। लाइन वगैरह चौक वगैरह हो गई है अपने अयोध्या के पीछे जानकी नगर तरफ। ये बता रहा था नगर पालिका वाले एक बार आए थे, उन्होंने लाइन वगैरह बंद कर दी है अपनी जानकी कुंड के चक्कर में। तो ये क्या आगे का रास्ता सिविल लाइन का बंद हो गया, तो लगभग यहाँ पे जानकी नगर में कम से कम 250 मकान है, सब लोग परेशान है, उनके पूरे घरों में पानी भरा गया है सर। लाइन का लेटरिंग की उस पाइप से वापस आ रही है गंदगी? जी सर, पूरी वापस आ जाती है। और आपको देख रहे हैं सर, ये अपन ने अगर इसको ढक्कन को हटा देंगे लेटरिंग सीट का, तो ये पूरा पानी इधर भरा जाता है रास्ते पर। क्यों रास्ता ही बंद है? क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि हमारी ये समस्या है वो खत्म हो जाए, पानी वगैरह निकल जाए। नहीं सर।